Hey guys, what's up? A very good morning to all of you. तो आज का व्लॉग तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आलू स्टोर करते हैं और आलू कैसे पिटाई के बाद कैसे निकालते हैं और फिर उसके बाद ग्रेडर में कैसे जाते हैं। ये देखो अभी हमारा ट्रैक्टर, पापा ड्राइव करेंगे, तो अभी चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। ये देखो ये मक्की लगी हुई है ट्रैक्टर में, आवाज सही तरह नहीं आती। ये देखो इधर भी मक्की लगी हुई है कितनी सारी, अभी ये और उगेगी, अभी तो इसको पानी देते हैं फिलहाल। ये देखो ये इनमें तरबूज लगेंगे, तरबूज या फिर खरबूजे। हे गाइस, तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पे आलू ग्रेड होते हैं। ये देखो ये ना राइस की होती है, ऊपर बिछाते हैं क्या कहते हैं इसको, तूड़ी शायद ऐसी कुछ कहते हैं। ये यहाँ पे आलू डंप करते हैं पहले, जब आलू खेत से निकालते हैं ये आलूओं के ऊपर बिछाते हैं, क्योंकि आलू ठंडे रहे, इससे ना आलू ठंडे रहते हैं। अगर हम ये ना बिछाएं तो आलू गर्मी से खराब हो जाएंगे। ये देखो अभी यहाँ पे ग्रेड कर रहे हैं, इसलिए इतनी जगह से ये हटाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के आलू है ना, ये देखो कितने डिफरेंट, कोई ज्यादा ही छोटा है, कोई ज्यादा ही बड़ा है, कोई मीडियम है, इसलिए यहाँ पे ये ग्रेड करते आलू। ये बहुत जरूरी होता है, फिर सारा ये प्रोसेस होता है ग्रेडिंग का, उसके बाद ये बोरियों में भर के ट्रॉलियों में लोड होके, जैसे आप वो देख रहे हो लोड होके, फिर ये कोल्ड स्टोर में जाते हैं, ये फिर स्टोर होते हैं कोल्ड स्टोर में। ये देखो यहाँ से आलू डालते हैं, ये देखो बोरियों में भर भर के देखो ऐसे डाल रहे हैं, लेबर लगी रहती है कितने दिन। ये देखो यहाँ से आलू जा रहे हैं, कितने सारे जा रहे हैं। ये देखो यहाँ से ना जो खराब आलू होते हैं वो निकाल रहे हैं, सारे जो खराब आलू होते हैं वो चढ़ के दिखाते हैं। ये देखो अभी मैं चढ़ चुका हूँ, यहाँ से खराब आलू निकाल लेंगे, मैं भी निकालता हूँ। ये देखो ये छोटे छोटे पत्थर भी निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है कि जो छोटे आलू वो इसमें जाए जा रहे हैं, जो मीडियम साइज के इसमें जाए जा रहे हैं, लार्ज साइज के जो सबसे लार्ज होते हैं ना वो राशन होते हैं, वो खाने के काम आते हैं हमारे, वो बाजार में जाते हैं और फिर वो खाते हैं। ये जो सबसे छोटे होते हैं गोली आती है बीचने के काम, और मीडियम भी बीचने के काम आते हैं, और जो सबसे लार्ज होते हैं वो तो आपको खाते खाने के काम आते हैं। ये देखो यहाँ पे फिर बोरियाँ भरते हैं आलू की बोरियाँ भरते हैं। देखो फिर वो देखो ट्रॉली है ना, कोल्ड स्टोर में फिर जाता है आलू, इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतने सारे आलू कितना टाइम लगता होगा, कितना मेहनत वाला काम है, सबसे मेहनत वाला काम है। यहाँ पे सबसे लार्ज आलू आ रहे हैं, ये सबसे कम आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मीडियम साइज वाले आ रहे हैं। कोई मशीन ये वाली होती है, इसको कहते हैं ग्रेडिंग, ये सारा प्रोसेस ग्रेडिंग का होता है। ये देखो यहाँ पे बोरियाँ भर भर के रखी जा रहे हैं, यहाँ पे बोरियाँ भर भर के और फिर वहाँ पे डालते हैं उसमें ट्रॉली में सारे आलू डालते हैं, और फिर ये सीधा जाएंगे कोल्ड स्टोर में, फिर ट्रॉलियों से उतारते हैं, फिर ये कोल्ड स्टोर में रखते हैं इन आलुओं को। ये देखो इतने सारे आलू, आप इमेजिन करो कि इतने सारे आलू को कितना टाइम लग जाता होगा। और अगर आप सोचोगे अगर ये ना लगाओ ना फिर सारे आलू खराब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लोग तो तरपाल भी इसके ऊपर कर देते कि आलू बिल्कुल भी खराब ना हो, ये सबसे मेन पार्ट होता है, अगर हम ये ना रखे तो आलू गए हमारे सारे A to Z। ये देखो मैंने आपको सारा दिखा ही दिया है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोर में जाके दिखाऊंगा कि कैसे आलू स्टोर करते हैं और स्टोर में क्या क्या होता है, तो अभी चलते हैं स्टोर में। तो अब हम लोग स्टोर में तो पहुंच चुके हैं, ये देखो ये स्टोर है हमारा, ये देखो यहाँ पे शेड है, वो देखो ये गेट है, ये देखो ये जो आलू है ना ये सीधा बोरियां अंदर जा रही हैं,
हमारे यहाँ चैम्बर बनाए हुए हैं, जैसे हमारे स्टोर में तो दो चैम्बर हैं, जो बड़े स्टोर होते हैं उसमें तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं। ये देखो ये आलू की बोरियां, ये लेबर सीधा अंदर लेके जा रही है। ये देखो अभी तो हमारा स्टोर बहुत ही ज्यादा भर चुका है, थोड़ी थोड़ी जगह रह गई रखने के लिए। ये देखो ये देखो ये भी आलू यहाँ पे भी रखे हुए हैं। ये प्री कूलिंग रूम है ये वाला। ये देखो अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, अंदर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये देखो बल्ब लगाए हुए हैं। आलूओं को बहुत ही ज्यादा ठंडक चाहिए होती है, मेरे को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। यहाँ का टेम्परेचर दो से तीन डिग्री है, दो तीन चार इसमें ही रहते हैं, क्योंकि आलूओं को इतना ही टेम्परेचर चाहिए होता है। ये देखो ठंड बहुत ही ज्यादा है, कोई ज्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकता। जैसे कि अलग अलग बनाया हुआ, अभी हम बेसमेंट में, बेसमेंट में अलग आलू होते हैं ये देखो, और ग्राउंड फ्लोर पे अलग होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे अलग, सेकंड फ्लोर पे अलग, और जो सबसे टॉप फ्लोर है ना उस पे वो मशीन लगी हुई है ठंडा करने वाली, जो ठंडी करती है वो टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे। ये देखो ये लिख भी देते हैं कि ये किसके किसके आलू है, मतलब कि जिस बंदे के आलू होते हैं ना उसका लिख देते हैं कि जैसे सुपर सिक्स किस बंदे के हैं, गोली किसकी है, पुखराज किसके आलू है। ये देखो अभी बोरी भर के ला रहे हैं और ये यहाँ पे डालेंगे, दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखना अभी कहाँ पे डालेंगे आलू। देखो कितनी भारी बोरी अकेला बंदा उठा के ले आता है, देखो वो देखो सामने रख रहे हैं, कैसे हमारा फुल हो चुका है स्टोर बिल्कुल ही। वो देखो एक बंदा उधर है ना, वो आलू ऊपर रखी जा रहा है, अब वापस जाना पड़ेगा अब वापस जाना पड़ेगा। ओ ठंड लग रही है मुझे बहुत ज्यादा ओ ये देखो ये प्लास्टिक वाली बोरी है, ये येलो कलर की, ये दूसरे वाली है बोरी धागे वाली। ये देखो ये अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है। अब फर्स्ट फ्लोर पे, अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। ये देखो ये देखो ये मशीन भी लगी हुई है कि कितने डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अब हम ये देखो यहाँ से सारी हम लाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर की लाइट्स जगा दे, जगानी पड़ेंगी। ओह माय गॉड ये देखो फर्स्ट फ्लोर भी इसी की तरह है। ये देखो यहाँ पे अलग तरह के आलू, जैसे कि अपने अपने आलू के टाइप्स होते कि जैसे हम पुखराज को टॉप पे नहीं रख सकते क्योंकि पुखराज को इतनी ठंड नहीं चाहिए होती है, हम दूसरे आलू को ज्योति सबसे ऊपर रखते हैं क्योंकि ज्योति को ज्यादा ठंड चाहिए होती है। देखो ये भी ज्योति है आलू, ये भी सेम है। अब आवाज बहुत ही ज्यादा आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे लगे हैं यूनिट्स, सेम ही दूसरे चैम्बर में है। ये देखो यूनिट्स लगे हैं और बहुत ही ज्यादा मुझे ठंड लग रही है। ओम ओ ये देखो फ्रीज हो रहा है, इसलिए फुल स्पीड आ गई थी। ओ माय गॉड ठंड बहुत ही ज्यादा लग रही है मुझे, उसको आना होगा, ठंड है। अब मैं तो नीचे जा रहा हूँ। ये देखो ये लकड़ियों से बनाते हैं ये, क्योंकि अगर ये सीमेंट से बनाएंगे तो वो ठंडक नीचे कैसे जा पाएगी, फिर ठंडक नीचे नहीं जा पाएगी और आलू ऊपर वाले ज्यादा ठंडे हो जाएंगे और नीचे वाले ठंडे नहीं हो पाएंगे। एक चैम्बर में 70,000 बैग्स लगे हुए हैं और दूसरे चैम्बर में भी इतने के होंगे, एस्टिमेट लगा लो आप कितने सारे बैग्स होंगे। ये देखो पहले जब मैं छोटा था ना ऐसे वाले कम ही आते थे, ज्यादा ऐसे वाले आते थे, पर आजकल ऐसे वाले भी आने लग पड़े हैं। आप सोच रहे होगी कि ये सब कुछ ऑपरेट कहाँ से करते हैं, तो उसका भी एक रूम है पीछे, मशीन रूम, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी चलते हैं बाहर, तेरी यार मेरा बिल्कुल ही जम चुका हूँ मैं तो। ओ माय गॉड सांस में सांस आई।
ये देखो यहाँ पे भी आलू रखते हैं, ये देखो यहाँ पे आलू पड़े हैं, अब इनको भी अंदर रखेंगे अगर जगह बच गई। ये देखो यहाँ पे ना हम लोग जैसे कुछ सब्जियां उगा लेते हैं क्योंकि ये स्पेस फ्री बची रहती है ना। यहाँ पे हल्दी लगाते हैं हम लोग, लगी हुई है हल्दी अभी। ये देखो यहाँ पे हमने ट्रीज भी बहुत सारे लगाए हैं। तो ये वाटर टैंक के कंडेंसर से पानी गिर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गहरा है, मतलब कि पूरा मैं डूब गई आराम से, 8-9 फीट गहरा है आराम से। तो अब मैं जाने लगा हूँ मशीन रूम के अंदर। अंदर ये देखो अंदर नो एंट्री है क्योंकि विदाउट परमिशन नहीं जा सकते और 18 साल से कम एज के बंदे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मैं पापा के साथ आया हूँ, पापा की परमिशन से अंदर जा रहा हूँ। ये देखो ये जो ये वाली मशीन आप देख रहे हो ना, ये है KCX4 और वो वाली है KCX6। इसमें 4 पैनल्स लगे हुए हैं और उसमें 6 सिलेंडर पैनल्स। और ये देखो यहाँ से सब कुछ होता है, तो मुझे बटन कभी भी आज तक समझ ही नहीं आया कि किस किस चीज की है। ये देखो ये अमोनिया वाली अमोनियम गैस, ये रिसीवर है, ये ठंडा करने के काम आती है। ये देखो यहाँ पे इसके पास ना मीटर भी लगी हुई है कि कितना आ रहा है ये, तो पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता ना आएगा। और ये देखो यहाँ पे ये है कि ये सीधा अंदर जाती है कूलिंग, और वो टॉप पे जाकर ना वो उससे होती है ठंडा करती है पूरा। देखो क्या है वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इसके भी ये इसके भी लगे हुए हैं, इसके अलग है उसके अलग है, कितने सारे बटन्स हैं। इसको पहले कितनी देर मतलब करना होता होगा कि ये किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है। तो इतना था हमारा मशीन रूम। और ये देखो ऊपर अभी ऊपर सोलर भी लगे हुए हैं, लग रहे हैं अभी काम चल रहा है, सोलर भी हमने लगवाया क्योंकि फिर बिजली भी कम होती है ना यूज, मतलब कि खर्च कम होती है बिजली, इसलिए हम सोलर भी लगवा रहे हैं। तो मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है कि आलू ग्रेड होते हैं, फिर कैसे आते हैं यहाँ पे और अंदर जाते हैं, और पीछे मशीन रूम कैसा होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।